दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Samsung J4 Plus मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका डिस्प्ले एकदम चूर चूर हो चुका है, लेकिन एक चीज है, इसमें डिस्प्ले जो है टोटली क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका Samsung का कोई भी मोबाइल, आप लोग अगर नहीं जानते हो, मैं बता देता हूँ, Samsung का कोई भी मोबाइल में सुपर AMOLED डिस्प्ले आता है, और अगर मतलब लगभग सभी मोबाइल में सुपर AMOLED डिस्प्ले आता है, लेकिन किसी किसी मॉडल में सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं आता है, वो तो अलग बात है, लेकिन लगभग सभी मोबाइल में सुपर AMOLED डिस्प्ले आता है, वो कम दाम हो और ज्यादा दाम हो। अगर आपका Samsung का कोई भी मोबाइल उसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले है और आपका अंदर में सब कुछ दिख रहा है और आपका ऊपर में टच जो है टोटली टूट चुका है, तो क्या आपको कॉम्बो चेंज करना चाहिए, क्या आपको टच चेंज करना चाहिए? अगर आपका टच काम नहीं कर रहा है तो क्या आप उस कॉम्बो को रिपेयर कर सकते हो? उसके बारे में मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। और अगर आपको इसका कॉम्बो चाहिए, कोई भी Samsung मोबाइल का डिस्प्ले चाहिए, ओरिजिनल डिस्प्ले या तो फास्ट कॉपी डिस्प्ले चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देख के अपना मोबाइल का डिस्प्ले के लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, Samsung का लगभग सभी मोबाइल में सुपर AMOLED डिस्प्ले आता है और किसी किसी एक दो मॉडल में या तो सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं आता है। देखिए दोस्तों, अगर आपका डिस्प्ले सब कुछ काम कर रहा है और ऊपर वाला स्क्रीन जो है पूरा टूट गया है और आपका डिस्प्ले में कहीं पे ब्लैक स्पॉट नहीं है, पूरा दिखाई दे रहा है, क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको डिस्प्ले चेंज करने का जरूरत नहीं है। सुपर AMOLED डिस्प्ले में ग्लास चेंज होता है, ओनली ग्लास चेंज 700-800 रुपया के अंदर ग्लास चेंज हो जाएगा। आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप में, अच्छा रिपेयरिंग शॉप में जो लोग की ग्लास चेंज करता है, उन लोग के पास जाके आप ग्लास चेंज कर सकते हो। उसमें पीडीए नहीं आता है, टचपैड नहीं आता है, उसको टचपैड भी बोलते हैं, लेकिन उसका टच का अलग सा होता है, वो डिस्प्ले के साथ जॉइंट रहता है, उसमें ग्लास चेंज होता है, तो आप उसका ग्लास चेंज करा सकते हो। देखिए दूसरा केस में क्या होता है, आपका डिस्प्ले टोटली अच्छा रहता है, ऊपर में टूट गया होता है, लेकिन आपका टच काम नहीं करता है, उस केसेस में कुछ ही मोबाइल में, कुछ ही डिस्प्ले में ऐसा है जिसमें कि टच का कनेक्शन अलग रहता है। तो अगर आपका टच का कनेक्शन अलग है तो आप उसमें टच लगा के उसको रिपेयर करा सकते हो। अगर उसमें टच का कनेक्शन नहीं है या तो उसका टच नहीं मिलता है, तो आपको टोटली डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ेगा, और कोशिश करना आप ओरिजिनल डिस्प्ले ही लगाना। क्योंकि देखिए Samsung मोबाइल में, कोई भी Samsung मोबाइल में अगर डुप्लीकेट डिस्प्ले आप लगाते हो तो वो ज्यादा दिन कभी नहीं टिकता है, मतलब किसी किसी का तो 8-10 दिन भी नहीं जाता है, खाली थोड़ा सा हाथ से अगर गिर जाता है या तो कहीं पे अगर लग जाता है तो डिस्प्ले टूट जाता है। उसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, Samsung में आता है सुपर AMOLED डिस्प्ले, सुपर AMOLED डिस्प्ले पूरा पतला होता है, पूरा थिकनेस होता है, उस जगह में अगर आप डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाते हो वो आता है IPS पैनल और वो होता है मोटा। तो जो जगह में, जितना पतला जगह में सुपर AMOLED डिस्प्ले रहता है, उतना पतला जगह में कभी भी मोटा डिस्प्ले अंदर में फिक्स नहीं हो पाता है। तब क्या करता है कोई भी दुकानी, उसको ग्लू लगा के चिपका के तो आपको दे देता है, जब लेते हो तब तो दिखा देता है कि हाँ चल रहा है, लेकिन आप घर में यूज करने के टाइम में थोड़ा सा अगर कहीं पे प्रेशर ही पड़ गया तो आपका मोबाइल टूट जाएगा, डिस्प्ले टूट जाएगा, टचपैड टूट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है डुप्लीकेट डिस्प्ले में। देखिए इधर एक सॉल्यूशन भी है। देखिए अगर आपके पास ओरिजिनल डिस्प्ले के लिए पैसा नहीं है तो आप एक डिस्प्ले ढूंढ सकते हो, OLED डिस्प्ले, हर एक मॉडल का आता है OLED डिस्प्ले, वो जो है सुपर AMOLED डिस्प्ले के जैसा आता है और वो थिकनेस पतला आता है और लगभग सुपर AMOLED डिस्प्ले के जितना ही आता है, वो डिस्प्ले प्रॉपरली फिट हो जाता है और आपका मोबाइल में एक्चुअली अच्छा काम भी करता है, ओरिजिनल के जैसा आता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सर्विस सेंटर जाइए, ओरिजिनल लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको डिस्प्ले नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास से भी डिस्प्ले ले सकते हो, OLED डिस्प्ले। अगर आपको कोई भी मॉडल में डिस्प्ले चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिए। और प्रीपेड डिलीवरी होता है हमारे पास में, कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, तो आप हमारे पास पूरा एड्रेस भेजना, पेमेंट कर देना, हम आपको भेज देंगे आपका मोबाइल का डिस्प्ले। कितना पैसा प्राइस है आप जब कॉल करोगे मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया, अगर आपका Samsung का कोई भी मोबाइल है, डिस्प्ले टूटा है, टच काम कर रहा है या तो टच काम नहीं कर रहा है, तो क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है, सब कुछ समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है
तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।